यार देखो, कुछ फिल्में होती है ना जो अच्छी भी होती है, जिसको हम इंजॉय भी कर लेते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं, मगर कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सीधा दिल में बस जाती है, सीने में उतर जाती है एंड अपने खुद के लिए वो स्पेशल भी हो जाती है। अब रात को 12 बजे मैं अमेजोन प्राइम पे बवाल मूवी देखता हूँ, स्टारिंग वरुण धवन, जानवी कपूर, डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी। अब जब इसका टीजर आता है, मैंने तभी कहा था कि भाई साहब अगर आपको टीजर ना भी जमा रहे ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भूल के भी, भूल से भी नितेश तिवारी को अंडर एस्टिमेट भूल के भी नहीं करना। अब देखो, बिना टाइम वेस्ट किए अगर मैं इस फिल्म का एक लाइन में रिव्यू करूँ तो इतना ही कहूँगा कि नितेश तिवारी जी, आपके चरण पे चिंता था चिता चिता करने का मन कर जा रहा है, क्योंकि मैंने तब कहा था कि मैं आपका फ़ैन हूँ फिल्म मेकिंग का, लेकिन अब मैं आपका डाई हार्ड फैन हो गया हूँ। बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली द बेस्ट फिल्म ऑफ 2023 फ्रॉम बॉलीवुड, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। एक ऐसा जॉयफुल राइड देखने मिलेगा जहां पर एंटरटेनमेंट का तड़का के साथ साथ इमोशन का जलवा आपका दिल छू जाएगा। फिल्म की स्टार्टिंग ही इतनी बेहतरीन होती है कि भाई साहब नितेश तिवारी की स्टोरी टेलिंग स्टाइल इतनी यूनिक नजर आ जाती है कि बंदे ने कम से कम जिस चीज को वो एक घंटे में दिखाना चाहिए वो बंदा 10 मिनट में दिखा लेता है बिना अपनी डेप्थनेस छोड़े। मैं तो ये भी सोच रहा था कि जब इसका ट्रेलर आया तो वो कैसा कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन जब आज मैं इसकी कहानी देखने बैठता हूं कि ऐसे वर्ल्ड वॉर टू एंड हिटलर की इतिहास को दिखाते हुए अपने पर्सनल प्यार के उलझनों को समझौते में ट्रांसफॉर्म करता हुआ ये फिल्म, आपको ऐसा बोल रहा हूं ना भाई साहब, आपको प्यार हो जाएगा। आप इसकी स्टोरी टेलिंग, इसके नरेटिंग स्टाइल से इतने दीवानगी आपके अंदर छा जाएगी कि भाई साहब ये सिंपल से फिल्म को भी इतनी स्टाइलिश, इतनी यूनिक कर दिए ना कि एक एक सीन, एक एक डायलॉग इतना प्यारा लगेगा, इतना प्यारा लगेगा कि भाई साहब आपके चेहरे पे एक मुस्कान पूरे 2 घंटे बरकरार रहेगी, पूरे के पूरे। देखो, इस फिल्म की कहानी इतनी रोमांचक थी कि मेरे को जब मालूम पड़ता है कि इसकी कहानी को लिखा है नितेश तिवारी की वाइफ अश्विनी अय्यर तिवारी ने, तो भाई साहब मैं वही पागल हो गया। मैंने बोला कि यार ये चीज़ वही कर सकते, क्योंकि वो जो कहानियाँ लाते हैं ना वो सच में इंसान के कोर तक पहुँच जाती है, छू जाती है। अगर आपने उनकी पुरानी फिल्में नहीं देखी लेकिन तो प्लीज़ जाके देखना, स्पेशली नील बटे सन्नाटा एंड बरेली की बर्फी, आप मेरे को याद करोगे। इस फिल्म का क्रेडिट जाता है उनको कि यार उन्होंने जिस कहानी को लाया है वो एक जलवा सा था एंड उसके ऊपर जलवा करने का काम करते हैं नितेश तिवारी के स्टोरी टेलिंग स्टाइल, नरेटिंग स्टाइल, जो कि इतनी स्मूथ लगती है कि आप बोलोगे कि हर एक चीज इतना परफेक्ट जा रहा है, इतना परफेक्ट जा रहा है, इतना माहौल बना रहा है कि मजा आ रहा है यार। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि नितेश तिवारी है तो भाई साहब इनके हाथ में रामायण अपना टोटली सेफ है दोस्तों, सच बता रहा हूं। अरे आप लोग खुद सोचो ना, डायरेक्टर साहब ने जब वरुण धवन एंड जानवी कपूर से अच्छा काम निकलवा लिया तो मैं क्यों बोल रहा हूँ उनका डायहार्ड फैन हूँ, या आप खुद ही सोच लो। इनफैक्ट वरुण धवन एंड जानवी कपूर का परफॉर्मेंस इतना प्यारा लगता है आपको कि आप बोलोगे कि यार जब ये लोगों तकलीफ में है ना तो वो तकलीफ हमको एहसास होता है, और जब ये लोगों का मिलन होता है ना तो हम फील कर लेते हैं। वरुण धवन इस फिल्म में टीचर के किरदार में नजर आते हैं जहाँ पर वो वर्ल्ड वॉर टू की कहानी अपने बच्चों को ऐसे सिखाते हैं मानो वो एक्चुअल लोकेशन में जाते हैं एंड जहाँ जहाँ वर्ल्ड वॉर टू हुआ था वो लोकेशन में जाकर वो वीडियो कॉल के जरिए अपने सारे स्टूडेंट को बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, वहाँ पर वो हुआ था, यहाँ पर हिटलर का ये कांड हुआ था, ये सब हमें दिखाते। फिर तो यार वरुण धवन जी, काश आप साइंस के टीचर रहते थे जिन्होंने हमें 10वीं के टाइम पे वो सारे लेक्चर, वो सारे लेसन स्किप करा दिए थे। अगर आप वो सिखा दिए होते हमें ना तो मजा आ जाता था। सॉरी, गलती से जानबूझ के बोल दिया। अब फिल्म फास्ट पेस्ड है मगर कहीं पर भी कॉमेडी, इमोशन एंड एंटरटेनमेंट का लेयर छोटा वन नजर नहीं आता है। फिल्म संदेश भी देती है क्लाइमैक्स में, मगर वरुण धवन का जो कैरेक्टर दिखाया है वो बहुत कुछ कह भी जाता है कि कैसे इंसान को जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं दिखती तो कैसे उन्हीं चीज़ों से वो चिढ़ जाता है, मगर जब उसको आगे जाके चलता है कि उसका हिसाब औरों लोगों से बहुत ही बेहतर है जिनके जीवन का कोई हिसाब ही नहीं रहा था, तो उसे अपने चीजों की कदर अपने आप महसूस हो जाती है, समझ आ जाती है, जिसको ब्रिलियंटली इस फिल्म में दिखाया गया। अब आधा क्रेडिट मैं साजिद नडियाड वालों को भी दूंगा जिन्होंने सत्य प्रेम की कथा के बाद एक वापस से ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया जो कंप्लीटली बाजी मारती हुई नजर आई। अब फिल्म भले ओटीटी पे आई लेकिन देख लेना, बहुत लोग देखेंगे एंड ये ओटीटी ब्लॉकबस्टर होगी। सो ओवरऑल बवाल इज अ प्रोजेक्ट जो दूर दूर तक गूंजते रहेगी एंड ये एक हकीकत बवाल है जिसका एंजॉयमेंट आप शायद 2-3 बार भी ले लो, क्योंकि इतनी लवली, इतनी प्यारी फिल्म है। मैं हंसता खेलता इस फिल्म को 4 out of 5 star दूंगा एंड नितेश तिवारी को तो 5 out of 5 star दूंगा। ही इज जीनियस मैन। अगर आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा अपने को भी प्यार दे दो। 1 million पहुंचना है, अब आपके साथ ही पहुंचेंगे, तो प्लीज़ प्यार सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।